गुड मॉर्निंग बाबा लोग, नए दिन नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर। आज मैं जल्दी उठ गया था 7 बजे के करीब, बट जैसे उठा उस टाइम पे लाइट थी नहीं, दोबारा से सो गया। फिर 10 बजे उठा, खाना खुना खा के जस्ट अभी रूम में पहुंचा हूँ एंड अभी तक भी लाइट नहीं आई है। आज पूरा का पूरा दिन ऐसे जाएगा बिना लाइट के। तो सोच रहा हूँ कहीं कि घूमने जाता हूँ अंजन के साथ। मौसम कुछ इस तरीके का है, बहुत हार्ड वाला। बाहर तो मौसम काफी अच्छा है, रूम के अंदर बैठ के ना कुछ उमस सी होती है, अजीब सा फील होता है। तो घूमने का थोड़ा मन है। अंजन के पास चलते हैं एंड उसको बोलते हैं कि भाई चल। और ये रहा अंजन, चले फिर भाई कहीं घूम फिर के आते हैं। यार नहाने का मन है, गर्मी लग रही तेरे को रूम में बैठ के? बोर भी हो रहा ना बहुत ज्यादा। चलते हैं यार घूम फिर के आते कहीं, चलते हैं दरिया वाली साइड, वहां पे नहाते जाके अपने नेचुरल स्विमिंग पूल में नहाएंगे आज। नहीं होता कुछ भी, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, बड़े पापा को बिना पूछे निकल जाते हैं। चल कोई बात नहीं, सुन लेंगे, चले। तो भाई लोग, सबसे पहले हमें चाबी चुरानी पड़ेगी। बड़े पापा उस वाले रूम में है और चाबी इनकी इस वाले रूम में होती है, तो चुरा लेते हैं पहले एंड निकल जाते हैं पर्दे से। ये रही चाबी। मिल के स्टार्ट मत करना, ठीक है? निकाल ले जल्दी जल्दी निकाल ले, निकाल निकाल निकाल, गेट के बाहर करेंगे स्टार्ट, ठीक है? हमने स्कूटी को निकाल ही लिया गेट के बाहर, अब दोनों भाई जा रहे हैं, तो लेट्स गो मैन। आपको पता है इस लोकेशन का, पिछली बार भी मैं इस जगह पे आया था जहाँ पे हमने पनीर बनाया था, और उसी लोकेशन पे आगे आज भी। एंड आज कुछ कुकिंग नहीं करेंगे, आज जस्ट नहाने के लिए आए हैं। कॉज आपको पता है बादल हैं, बट उमस सी है काफी ज्यादा। बाहर तो नहीं इतनी गर्मी लग रही, बट कमरे जो थे घर के वो काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा प्लान बना लिया हम भाइयों ने कि नहाने चलते हैं। एंड रास्ते में एक और भाई मिला है, वो जा रहा है पीछे, अक्षित। वही टीम आई है जो पिछली बार भी यहाँ पे थी, और स्कूटी हमने इस जगह कर दी हुई पार्क। एंड इस जगह से जाएंगे, आसान है रास्ता उतरने में, अगर गिरे नीचे तो काफी ज्यादा लगेगी। और पहुंच गए हम पुल के नीचे, यहाँ पे नहाएंगे बाबा लोग, मजा आ जाएगा यार। और मैंने बोला था यहाँ पे गिर सकते, अंजन गिर गया यार, नेचुरल स्विमिंग पूल का मजा लेंगे यार आज। और वो पीछे उस जगह पे चला हुआ क्रैशर, कितना शानदार व्यू है यहाँ का। एंड ये जो दरिया, ये पोंग डैम का पानी आता है यहाँ पे, बूंजा गेट का पानी, और अंजन से अभी तक उतरा नहीं गया। चप्पल डाल ले चप्पल, शीशा पड़ा हुआ यहाँ पे टूटा हुआ बहुत ज्यादा। नहा लेते हैं अभी जल्दी जल्दी, टाइम भी 11:30 हो गया हुआ, 1 घंटा नहाएंगे यहाँ पे एंड उसके बाद चले जाएंगे घर। तो वो लोग काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार पानी में नहाने का, कुछ अलग ही फील है यार। इस साइड में बहुत गहरा पानी है, इस साइड आधा घंटा हो गया नहाते, थोड़ी देर और नहाएंगे, पानी भी काफी ठंडा है। अंजन को देखो, अंजन पुशअप निकाल रहा है, बहुत हार्ड अंजन, शाबाश, तभी तेरा वेट लूज होगा, शाबाश अंजन शाबाश, मेहनत कर रहा है पतला होने के लिए। ऐसी उमस में ऐसे स्विमिंग पूल में नहाने का आपको पता फील ही अलग होता है, हमारे लिए तो यही स्विमिंग पूल है यार। मैंने तो काफी देर नहा लिया, अंजन अभी भी नहाए जा रहा है एंड अपना भाई, ये मेरी हेल्प कर रहा था अभी वीडियो बनाने में, अभी ये नहा रहे हैं दोनों भाई, फुल पावर एंजॉय कर रहे हैं यार। और ऐसी जगह पे आपको पता नहाने का सुकून ही अलग है, नेचर में गलत सीन हो जाता बाबा, फुल पावर मजा कर रहे हैं ये। तू तो मछली की तरह नहा रहा है यार। अंजन यहाँ पे उसकी गोली से हो गया घायल, मजा आया अंजन बहुत उमदा। चलो काफी देर हो गई ना आते हुए, चले घर, ठंड लगने भी है। हाँ यार पानी भी काफी ठंडा है, ठंड लग रही है अभी, है ना? मगर अंजन को तो सर्दी भी होगी। और नहाना है आपको अभी? नहा लो आप। इनको मैंने बोला कि चलो बोलते हैं थोड़ी देर और नहाना है अभी। आप देख सकते हो हाथ मेरा कैसे कांप रहा है, कितना शेक कर रहा है मेरा फोन, ठंड लग रही हुई यार अभी पानी में, मजा आ गया बट अंजन बहुत बुरा। थोड़ी देर नहाते हैं फिर मार्केट वाली साइड चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:00 PM एंड हम तीनों भाई अभी जाने वाले हैं मार्केट वाली साइड, वहां पे एक फ्रेंड है उससे मिलेंगे। एंड
वाह लोग, मैं पहुंच गया अपनी लोकल मार्केट में। जगह का नाम है बडूखर। ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, बस छोटी सी मार्केट है। एक भाई से मिलना है यहाँ पे, वो पीछे भाई की दुकान है, वो आ रहे हैं अभी, उनसे मिलेंगे एंड उसके बाद चले जाएंगे हम घर। एंड ये रहे अपने बड़े भाई करण भाई। और भाई क्या हाल चाल, चले फिर? चलो अपने भाई के साथ थोड़ी देर मिल ली है एंड अभी हम जा रहे हैं घर को। तो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं घर। लगभग टाइम हो रहा है 3 एंड जस्ट अभी हम दोनों भाई घर में पहुंचे हैं, तो चलते हैं रूम में। 2 hours later अभी शाम के बज रहे हैं 5 एंड 3 बजे घर पहुंचने के बाद मैं सो गया था। उसके बाद अभी जस्ट मम्मी ने उठाया, बोल रहे हैं कि पास वाले गांव में धाम है, वहां पे जाओ, धाम के लिए बुलाया हुआ। मैं और रंजन वहीं पे जा रहे हैं। गांव में पहुंच पीछे आपको दिख रहा होगा घर, यहां पे खाएंगे खाना एंड उसके बाद चले जाएंगे हम घर। लोग वहां से खाना खा के जो है हम अपने घर के लिए निकल रहे थे एंड मुझे दिखा है किन्नू का पेड़। पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया था कि किन्नू जो है एक जंगली फल होता है, उस टाइम पे ये कच्चा था बट अभी पक गया हुआ कुछ इस तरीके का होता है। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। अभी एक पेड़ आगे भी है, वहां पे जाके आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पे लगे होंगे और भी किन्नू। तो लोग थोड़ी देर आगे आके मुझे किन्नू का एक और पेड़ दिखा है, यहां पे बहुत सारे लगे हुए। इनको जो है पत्थर मार के तोड़ने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक ही पकने के बाद नीचे गिर जाते हैं। तो भाई लोग ये देख सकते हो आप, कुछ किन्नू यहाँ पे पक गए हुए, कुछ कच्चे हैं। ये देख सकते हो अंजन तोड़ने वाला, यहाँ पे इस तरीके का कलर हो जाता है इनका। अंजन ने एक तोड़ा है, अंजन दिखाना 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 वापस। हाँ दे दूंगा मैं वापस। एक टाइम था इन किन्नुओं के पीछे इतनी लड़ाई होती थी, बहुत टेस्टी होता। अंजन इसको तोड़ के दिखाना एक अंदर का वाला, कुछ इस तरीके का होता है, बहुत ही टेस्टी। खा के पता कैसा है, बहुत ज्यादा टेस्टी होगा ये फ्रूट, मेरे को पता है यार। बचपन में वाला लोग बहुत खाते थे यार, बहुत ज्यादा। अभी भी इनको पकने में टाइम है, हमने देखा होगा कि कुछ एक कच्चे हैं एंड इन दोनों भाइयों ने जो पके पके थे वो तोड़ के खा लिए, कुछ एक मैंने तोड़ लिए थे। और यहाँ पे अपने दोनों भाई कर रहे हैं फोटोग्राफी पीछे एंड देख सकते हैं ये वो लोकेशन है, आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखी होगी, काफी हार्ड नजारा आता है। पहले काफी टाइम यहाँ पे आके बैठते थे, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है इस टाइम पे, तो बहुत हार्ड, बहुत मजा आ रहा है। इसके साथ मैं भी खिंचवा लेता हूं एक दो फोटो। काफी देर फोटो वगैरह खींचने के बाद अभी हम तीनों भाई जो है वो जा रहे हैं घर को। चले अंजन, चलो फिर। अभी टाइम हो रहा है 10, मैं पहुंचा था 7:30 बजे घर। काफी लेट हो गए थे, किन्नू वगैरह तोड़े, उसके बाद अंजन और वो भाई करने लग पड़े थे फोटोग्राफी। अभी मैं खाने वाला हूँ खाना, किचन में बैठा हूँ एंड ये रही मेरी बहन है, ये खा रही है खाना। कैसा रहा तेरा दिन आज? अच्छा रहा। कुछ खाने के लिए ले आया कर? बस मसे नंदी के उतर ही हो कर लिए था, बाकी लेती बस। मेरी माँ ही समझ सकती है। मैं भी समझता हूँ। ए मम्मी इसके जहाँ से मत आना, ये ड्रामे बहुत जानती है, इसका फेस देख लो। ओह बेचारी, मैं समझ सकता हूँ इसकी, बट मेरे को गाड़ी भी नहीं आती ना चलाने, मैं तो छोड़ आता नहीं तो। तू मेरा भाई है ही नहीं, मेरा भाई अंजन है। क्यों? मैं नहीं हूँ क्या? मेरे को छोड़ने भी जाता है, लेने भी आता है। तो मैं भी तेरे को छोड़ दूँ, मेरे को क्यों नहीं बोलती? चलाने छोड़ने आता नहीं कुछ तो क्या हुआ? बट चल अच्छा ठीक है, अंजन तेरे को छोड़ने जाता है, लेने भी जाता है, बट मैं तेरे लिए खाना नहीं लेके आता, तेरे लिए इतना अच्छा अच्छा बनाता हूँ, कल भी तेरे को बेड पे दिया खाना। क्या यार पनीर रोल वगैरह मैं मुझे रखा ही नहीं, ये मेरा भाई। मम्मी से पूछ, मैंने तो बोला था मम्मी तो एक में की देता एक अंजन ने रंजन खाया। अच्छा एक मैंने और अंजन ने हाफ हाफ खाया, सोचना मम्मी को मैंने अकेले को दिया, मम्मी को रखना चाहिए था ना, मम्मी को सोचना चाहिए था उस टाइम। देखी के बता, मेरा क्या फर्ज बनता है, मम्मी को रखना चाहिए था, मम्मी तो स्वाद स्वाद के चक्कर में सारा खा के इतना टेस्टी बनाया होता, पूछ ले। चलो कोई नहीं, आपने रखा क्यों नहीं? मम्मी आपको सजा मिलेगी, तेरे कपड़े नहीं और अंदर तेरे सबसे ज्यादा कपड़े हैं, सबसे ज्यादा। ये बात मम्मी आपने सच बोली। आपको मैं नीतू की एक बात बताता हूँ, इस बार जब मैं घर आया था मैं मम्मी के लिए लेके आया था चप्पल एंड नीतू के लिए लेके आया था चॉकलेट, तो वो मम्मी की चप्पल देख के इतनी खुशी हुई, बोलती भाई तेरी चॉइस बहुत हार्ड है, मेरे लिए भी चप्पल ले आना प्लीज, मेरे पास चप्पल नहीं बची हुई कोई भी। मैंने कहा कोई नहीं ले आऊंगा तेरे लिए भी चप्पल। मैं भी उसी दिन घर पहुंचा था स्टोर से, मैं भी अपनी चप्पल लाने जैसे गया, ट्रैक में मैंने देखा कि नीतू के 20 से ज्यादा चप्पलें पड़ी हुई वहां पे एंड मैंने नीतू को उसके बाद बुलाया, मैंने कहा ये चप्पलें किसकी हैं? बोलती ये तो पुरानी हो गई है, मुझे नई चाहिए। और ये तो मम्मी पीछे, मम्मी सच है ये बात? जैसे ही मैंने ये बात स्टार्ट की ना चली गई अंदर, चलते हैं उसके पास। खाना खाते क्यों आ गई तू? सच बोल जो मैं बात कर रहा हूं, सच है ना ये? क्या बात है? चप्पल वाली? तभी तो उठ के चली आई वहां से, बैठी नहीं। क्या मतलब? तेरी हंसी बता रही है बड़ी खराब है तू। हंसना चाहिए, खून बढ़ता है। नहीं खून तो तू बढ़ा ले जितना बढ़ाना है, पर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। मैं कब झूठ बोला मैं बताओ? अच्छा मेरी कसम खा के बोल दे कि बात सच है झूठ। मैं कसम खाती नहीं। चलो है मान लिया है, लेकिन मैं डालती कितने, वो मम्मी की है सारी, मेरी नहीं है। मम्मी की है वो सारी, मुझे पता है मेरी बहन का। मेरा एक सिर्फ एक जोड़ी शूज है और एक चप्पल है, वो भी सिंपल वाली, वो भी टूट गई है।
अभी टाइम हो रहा है रात के 10 एंड खाना खा के जस्ट अभी मैं पहुंचा हूँ रूम में। मम्मी एंड नीतू से की थोड़ी देर बातें, अभी मैं करूंगा वीडियो एडिटिंग। तो आज आपको पता है कि नेचुरल स्विमिंग पूल में फुल पावर एंजॉय करके मजा आ गया। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल। जयशंकर।